नाथ आप आदि मध्य और अंत रहित हैं, आपकी माया का कोई पार नहीं है। आपको मैंने किसी भांति प्राप्त किया है, कौन से व्रत तप या दान पुण्य के फल से आज मुझको वर रूप में मिले हैं। श्री महादेव जी बोले, हे देवी यह सुन, मैं तेरे सम्मुख उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारा गर्भ में चंद्रमा और ग्रह भारत, वेदों में श्याम, इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में इसका वर्णन आया है, जिसके प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, उसी का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ, सुनो। भादो मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र संयुक्त तृतीय तीजा के दिन इस व्रत का अनुष्ठान मात्र करने से सब पापों का नाश हो जाता है। तुमने पहले हिमालय पर्वत पर इस महान व्रत को किया था, जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। पार्वती जी बोली, हे प्रभु, इस व्रत को मैंने किसके लिए किया था, यह मुझे सुनने की इच्छा है, सो कृपा करके कहिए। शंकर जी बोले, आर्यावर्त में हिमालय नाम का एक महान पर्वत है, जहाँ अनेक प्रकार की भूमि अनेक प्रकार के वृक्षों से सुशोभित है, जो सदैव बर्फ से ढके हुए तथा गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दायमान रहता है। हे पार्वती जी, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था और 12 वर्ष तक के महीने में जल में रहकर तथा वैशाख मास में अग्नि में प्रवेश करके तप किया था। श्रावण के महीने में बाहर खुले में निवास कर अन्न त्याग कर तप करती रही। तुम्हारे उस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई। वे चिंतातुर होकर सोचने लगे, मैं इस कन्या की किससे शादी। जी वहाँ आए, देवर्षि नारद ने तुम शैलपुत्री को देखा। तुम्हारे पिता हिमालय ने देवर्षि को अर्घपाद्य आसन देकर सम्मान सहित बिठाया और कहा, हे मुनीश्वर, आपने यहाँ तक आने का कष्ट कैसे किया, कहिए क्या आज्ञा है। नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं विष्णु भगवान का, तुम मेरी बात सुनो। आप अपनी कन्या को उत्तम वर को दान करो। ब्रह्मा इंद्र शिव आदि देवताओं में विष्णु भगवान के समान कोई भी उत्तम नहीं है, इसलिए मेरे मत से आप अपनी कन्या का दान भगवान विष्णु को ही दें। हिमालय बोले, यदि भगवान वासुदेव स्वयं ही कन्या को ग्रहण करना चाहते हैं और इस कार्य के लिए आपका आगमन हुआ है, तो वह मेरे लिए गौरव की बात है, मैं अवश्य नहीं दूंगा। हिमालय का यह आश्वासन सुनते ही देवर्षि नारद जी आकाश में अंतर ध्यान हो गए और शंख चक्र पद गदा पीताम्बर धारी भगवान विष्णु के पास पहुँचे। नारद जी ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा, प्रभु आपका विवाह कार्य निश्चित हो गया है। इधर हिमालय ने पार्वती जी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे पुत्री, मैंने तुमको गरुण ध्वज भगवान विष्णु को अर्पण कर दिया है। पिता के इन वाक्यों को सुनते ही पार्वती जी अपनी सहेली के घर गईं और पृथ्वी पर गिरकर अत्यंत दुखित होकर विलाप करने लगी। उनको विलाप करते हुए देखकर सखी बोली, हे देवी, तुम किस कारण से दुख पाती हो, मुझे बताओ, मैं अवश्य ही तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूँगी। पार्वती बोली, हे सखी, सुन, मेरी जो मन की अभिलाषा है सुनाती हूँ। मैं श्री महादेव जी को वरण करना चाहती हूँ। मेरे इस कार्य को पिताजी ने बिगाड़ना चाहा है, इसलिए मैं निसंदेह इस शरीर का त्याग करूँगी। पार्वती के इन वचनों को सुनकर सखी ने कहा, हे देवी, जिस वन को तुम्हारे पिताजी ने ना देखा हो, तुम वहाँ चली जाओ। तब हे देवी पार्वती, तुम अपनी सखी का यह वचन सुन ऐसे ही वन को चली गई। पिता हिमालय ने तुमको घर पर ना पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई देवदानव अथवा किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने नारद जी को वचन दिया है कि मैं पुत्री का गरुण ध्वज भगवान के साथ वरण करूंगा। हाय, अब यह कैसे पूरा होगा, ऐसा सोचकर वे चिंतातुर होकर मूर्छित हो गए। तब सब लोग हाहाकार करते हुए दौड़े। मूर्छा दूर होने पर गिरिराज से बोले कि हमें आप अपनी मूर्छा का कारण बताओ। हिमालय बोले, मेरे दुख का कारण यह है कि मेरी रत्न रूपी कन्या को कोई हरण करके ले गया है। यह सर्प डस गया है या किसी सिंह व्याघ्र आदि ने मार डाला है, वह न जाने कहाँ चली गई है, उसे राक्षस ने मार डाला। इस प्रकार कहकर गिरिराज दुखित होकर ऐसे कांपने लगे जैसे तीव्र वायु के चलने पर कोई वृक्ष कांपता है। तत्पश्चात, हे पार्वती, तुम्हें गिरिराज साथियों के साथ घने जंगलों में ढूंढने निकले सिंह व्याघ्र रीछ आदि हिंसक जंतुओं के कारण वन महाभयानक प्रतीत होता था। तुम भी सखी के साथ भयानक जंगल में घूमती हुई वन में एक नदी के तट पर एक गुफा में पहुंची। उस गुफा में तुम अपनी सखी के साथ प्रवेश कर गई, जहां तुम अन्न जल का त्याग करके बालू का लिंग बनाकर मेरी आराधना करती रही। उसी समय भाद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने मेरा विधि विधान से पूजन किया तथा रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया। तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा। मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ तुम और तुम्हारी सखी दोनों थी। मैंने आकर तुमसे कहा, हे वरानने, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव ही मेरे पति हों। मैं तथास्तु ऐसा कहकर कैलाश पर्वत को चला गया और तुमने प्रभात होते ही मेरी उस बालू की प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहाँ अपनी सखी सहित व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता
हिमवान भी तुम्हें ढूंढते ढूंढते उसी घने वन में आ पहुंचे। उस समय उन्होंने नदी के तट पर दो कन्याओं को देखा, वे तुम्हारे पास आ गए, तुम्हारे हृदय से लगाकर रोने लगे। बोले, बेटी तुम इस सिंह व्याघ आदि युक्त जंगलों में क्यों चली आई? तुमने कहा, हे पिता, मैंने पहले ही अपना शरीर शंकर जी को समर्पित कर दिया था, किंतु आपने इसके विपरीत कार्य किया, इसलिए मैं वन में चली आई। ऐसा सुनकर हिमवान ने तुमसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध यह कार्य नहीं करूँगा, तब वे तुम्हें लेकर घर को आए और तुम्हारा विवाह मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा अर्धासन प्राप्त हुआ है। इस व्रत राज को मैंने भी अभी तक किसी के सम्मुख वर्णन नहीं किया है। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि इस व्रत का यह नाम क्यों पड़ा। तुमको सखी हरण करके ले गई थी, इसलिए हर तालिका नाम पड़ा। पार्वती जी बोली, हे स्वामी, आपने इस व्रत राज का नाम तो बता दिया, परंतु मुझे इसकी विधि एवं फल भी बताइए, इसके करने से किस फल की प्राप्ति होती है। तब भगवान शंकर जी बोले, इस स्त्री जाति के उत्तम व्रत की विधि सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियाँ इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के खंभों से मंडप बनाकर उसे वंदन वारों से सुशोभित करें। उसमें विविध रंगों के उत्तम रेशमी वस्त्र की चांदनी ऊपर तान दें। चंदन आदि सुगंधित द्रव्यों को लेपन करके स्त्रियां एकत्र हों। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजावें। विधि पूर्वक मंगलाचार्य करके श्री गौरी शंकर जी की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव पार्वती जी का गंध, धूप, पुष्प आदि से विधि पूर्वक पूजन करें। अनेक नए वेदों का भोग लगावें। रात्रि को जागरण करें। नारियल, सुपारी, जवारी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि ऋतु फलों तथा फूलों को एकत्रित करके धूप दीप आदि से पूजन करके कहें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे भगव मंगल स्वरूप शिव, हे मंगल रूप महेश्वरी, हे शिवे सब कामनाओं को देने वाली देवी, कल्याण रूप तुम्हें नमस्कार है। कल्याण स्वरूप माता पार्वती, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। भगवान शंकर जी को सदैव नमस्कार करते हैं। हे ब्रह्म रूपिणी, जगत का पालन करने वाली माँ, आपको नमस्कार है। हे सिंह वाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, तुम मेरी रक्षा करो। हे महेश्वरी, मैंने इसी अभिलाषा से आपका पूजन किया है। हे पार्वती माता, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस प्रकार के शब्दों द्वारा उमा सहित शंकर जी का पूजन करें। विधिपूर्वक कथा सुनकर गौ वस्त्र आभूषण आदि ब्राह्मणों को दान करें और इस प्रकार से व्रत करने वालों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलो हरतालिका माता की जय।